तो गाइस ये है होली स्टार्स 2024। तो देख सकते हो कितने सारे होली के सामान है। तो चलिए एक एक करके इन सभी की टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आ जाते हैं ये पेस्ट वाले कलर जिसकी प्राइस है 20 रुपीज। तो देख सकते हो कौन कौन से कलर है। ये है चांदी वाला, ये है पिंक, ये गोल्डन, और भी कलर है। तो चलिए एक एक करके सभी की टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहले सिल्वर कलर, तो देख सकते हो किस तरीके से है, इसे लगा करके दिखा देता हूँ। तो गाइस इसका कलर देखो, और ये है गोल्डन, इसे भी लगा करके दिखा देता हूँ, इसका कलर देखो। और गाइस ये है ग्रीन कलर, इसका भी कलर देख लो इस तरीके से है। तो गाइस इन तीनों का कलर देख लो, बाकी का कलर भी ऐसी रहेगा। और गाइस ये है उसी का छोटा पैकेट जो कि 10 रुपए का आता है, देख सकते हो किस तरीके से है, वही कलर है। और गाइस ये है लिक्विड कलर, देख सकते हो कौन कौन से कलर है। इसे बस इस तरीके से निकालना होता है और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये कलर लग चुका है, देखना थोड़ी देर में ये कलर बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, ये पक्का रंग है। इसकी प्राइस भी 20 रुपीज है, एक डब्बे की प्राइस, देख सकते हो कलर आ चुका है। गाइस ये है पानी के अंदर घोलने वाला कलर, इसकी प्राइस है 40 रुपए, एक डब्बे की प्राइस है। इसे दिखा देता हूँ किस तरीके से है। ये है ब्लू कलर, और ये है ग्रीन, और ये है पिंक। तो चलिए एक एक करके तीनों की टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले ब्लू कलर को डालता हूँ, देखना इसका कलर कैसे आएगा। और ये है रेड कलर, और ये है ग्रीन कलर। तो गाइस अब देखना तीनों का कलर, ये रहा ब्लू, ये है रेड, और ये है ग्रीन। तो गाइस थोड़े देर में इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा, देख सकते हो पानी का कलर चेंज हो चुका है। और गाइस ये है एयर प्रेशर पिचकारी, इसकी प्राइस है 50 रुपए, देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से होती है। इसमें सिर्फ बॉटल लगाना होता है, तो आपको कोई भी एक बॉटल लेना है, उसे कुछ इस तरीके से इसमें लगा देना है और ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको पंप मारना है इसमें, और इसके अंदर एयर आ जाएगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो किस तरीके से चल रहा है। और गाइस इसमें बलून भी फुला सकते हैं, तो मैं आपको एक बलून फुला करके दिखा देता हूँ। ये है मैजिक बलून, इसकी प्राइस है 20 रुपीज, इसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस ये रहा बलून, देखना इसे फुलाऊंगा तो इसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस इसमें पानी भरना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस ये बलून रेडी हो चुका है, अब देखना इसे निकालूंगा तो इसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस देख सकते हो ये बलून रेडी हो चुका है। और गाइस ये है कलर स्मोक, इसकी प्राइस है 50 रुपए, इसकी प्राइस है 50 रुपए, इसकी प्राइस है 100 रुपीज। तो आपको दिखा देता हूँ दिखने में किस तरीके की है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके की होती है, इसके अंदर से धुआं निकलता है कलर वाला। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो गाइस इस कलर को जला करके देखते हैं कलर स्मोक कैसे निकलता है। तो गाइस इसके अंदर से रेड कलर निकल रहा है, देख सकते हो, वाह यार कहीं जबरदस्त कलर है। और गाइस ये है बंच बलून, जिसे कि झाड़ू बलून भी बोलते हैं, इसकी प्राइस है 25 रुपीज, इसके अंदर आपको 3 पीस मिल जाएंगे। तो गाइस ये 2 पीस है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखती है झाड़ू की तरह, और इस बलून को भी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इसमें पाइप फिट करना होता है और ये रेडी हो जाता है। तो चलिए इसे भर करके देखते हैं। तो गाइस पहले इसके अंदर लिक्विड कलर डाल देते हैं, अब ये रेडी है पानी भरने के लिए। तो गाइस सिंपली इस कनेक्टर में पाइप को कनेक्ट करना है, अब ये रेडी है पानी भरने के लिए। तो गाइस देख सकते हो ये फूलना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो ये सारे बलून फूल चुके हैं, कुछ कुछ बलून छूट चुके हैं। तो गाइस देख सकते हो इतने सारे बलून रेडी हो चुके हैं, और इसे बांधने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। तो गाइस ये है सबसे बेस्ट कलर जो कि है कैप्सूल कलर, इसकी प्राइस है 20 रुपीज, दिखने में कुछ इस तरीके की है, देख सकते हो इसके अंदर कलर होता है। आप इसको सीधा पानी में भी डाल सकते हो, या इसे कुछ इस तरीके से हाथ में लेकर के इसमें पानी डाल के यूज कर सकते हो। तो गाइस इसका कलर देखो आ चुका है, रेड कलर है ये। और गाइस ये है फनलैंड ब्रांड का स्नो स्प्रे, देख सकते हो होली में यूज़ करने वाला, ये है ग्रीन कलर। तो चलिए एक एक करके सभी की टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहले पर्पल कलर को चलाते हैं, देख सकते हो किस तरीके से है ये, और ये है ग्रीन कलर, और ये है रेड कलर, और गाइस ये है ऑरेंज कलर। और गाइस ये है बॉटल वाला पिचकारी जो कि एक एयर प्रेशर पिचकारी, बस आपको इसमें पंप मारना है, इस बॉटल के अंदर पहले पानी डालना है फिर पंप मारना है।
तो गाइस इसके अंदर थोड़ा आपको 10-20 पंप मारना होता है। तो गाइस अब ये रेडी है चलाने के लिए, देख सकते हो इसका प्रेशर किस तरीके से है, और इसमें बलून भी फुला सकते हो। आपको बलून लेना है और इसमें लगा देना है, और ये रेडी है फूलने के लिए। तो गाइस देख सकते हो ये बलून किस तरीके से फूल चुका है, और ये लॉक भी हो गया है।